अगला मैच है फातिमा जहरा और अज़का अशफाक के दरमियान। फातिमा जहरा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की ग्रीन टीम से है और अज़का अशफाक जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की वाइट टीम से जिनका ताल्लुक है। रेड कॉर्नर पे रेड लिबास में मलबूस हैं जबकि अज़का अशफाक ये भी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की वाइट टीम से जिनका ताल्लुक है ये ब्लू यूनिफॉर्म में। जी हाँ, तो इट्स आपको क्या लगता है कि इसमें कोई चेंजेस होते हैं यानी कि जिस तरह तेज हमारी मेल कैटेगरी के ये कवानीन सबके एक ही हैं जी, सिर्फ इसमें ये है कि हेड गार्ड ये आते ही फातिमा जहरा ने चढ़ाई कर दी है अज़का अशफाक पर और मैं समझता हूँ कि इसने अज़का अशफाक को संभलने नहीं दिया और वो संभल नहीं पाएंगी। जैसे जिस तरीके से फातिमा जहरा हमले किए जा रही हैं तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं संभल पाएंगी। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट लिया फातिमा जहरा ने। फातिमा जहरा ने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए हैं और ऐसी सूरत में खिलाड़ियों का वापस आना गुड 1-2 की कॉम्बिनेशन है बहुत ही जहरा की, एक के बाद जक के बाद दीगरे वो लगातार हमले किए जा रही है। बहुत ही अच्छा उसने अज़का जहरा को संभलने नहीं दिया इसको अज़का अशफाक को और अज़का अशफाक अपना डिफेंस भी खो बैठी है। अज़का अशफाक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना है इस वक्त। तो क्या लगता है आपको, क्या ये मैच वन साइडेड होगा कि? जी जी, ये बिल्कुल, चूँकि आते ही अब ये अगर ये पहला राउंड निकाल जाती है तो फिर नए जज्बे के साथ जब आएगी तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, वरना पहला जो राउंड है ये अज़का अपने आप को संभाल नहीं पा रही क्योंकि आते ही फातिमा जहरा ने उस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है अज़का अशफाक का शायद हेड गार्ड जो है वो हिल गया है क्योंकि हर फातिमा जहरा के हर पंच के बाद वो पहले अपना हेड गार्ड ठीक कर रही हैं और फिर वो देख रही हैं। नहीं, वो वैसे एक होती है क्योंकि वैसे आम हालात में ऐसे ही खेला जाता है तो ये बंदे को हेड गार्ड वैसे भी नर्वस कर देता है। जी बस एक ही मिनट का ये खेल बाकी, उसके बाद ये राउंड खत्म। अब ये देखते हैं कि अगर अज़का ये पहला राउंड निकाल जाती है तो फिर ये नए जज्बे के साथ नई टेक्निक के साथ फिर इसका कोच जो है उस पर मुनसर है कि वो इसको कैसे चार करते ठीक है। अब तो ये इसने जो है ना अपना लूज़ कर दिया। जी हाँ, और यहाँ पर आप नहीं संभाल पा रही और इसने इसका जो है ना डिफेंस भी इसका नीचे आ गया है, गार्ड भी नीचे आ गया है। शायद अज़का थक गई है पहले ही राउंड में। वही मैंने अर्ज़ किया ना कि वो आते ही कि फातिमा ने उस पर जो ऐसे हमले किए हैं ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही। शायद अज़का को कि ये पहला राउंड निकाल जाती है दूसरे राउंड में अब इसके कोच पे मुनसर है कि वो इसको कैसे चार करके भेजता है कि ये अपने आप को कैसे संभाल पाती है। और इसी के साथ पहले राउंड का इख्तिताम पजीर हुआ। दूसरा राउंड शुरू होने को है, अब ये देखना है कि अज़का जो है वो कितने जज्बे के साथ वापस आई है। फिर से काउंटिंग, फातिमा जहरा ने फिर से उसी तरह ही जैसे पहले राउंड के आगाज में किया था। अब ये स्क्रीन पे हमें नजर आ रही हैं मेविश, ये जिसका कल मुकाबला है, ये देख रही हैं कि कल मेरा किसके साथ मुकाबला होगा। मैरीन एक अच्छे खेल का मुजाहरा किया है फातिमा जहरा ने।
ब्लू पे गिनती काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग कर रही हैं जी, ये नहीं सुन पा रही। मैं समझता हूँ कि रेफरी को ये मुकाबला ख़त्म कर देना चाहिए, और ऐसे ही किया है रेफरी ने, ये मुकाबला ख़त्म कर दिया है। बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया है फातिमा ज़हरा ने, बहुत ही उम्दा खेल। काफ़ी मायूस हैं अज़का इस वक्त। इंतज़ार है रेफरी को जूरी की तरफ से कि जूरी कब अनाउंस करती है, और जो जूरी जब अनाउंस करेगी तब जी फातिमा ज़हरा के लिए उसकी फतह का ऐलान किया जाएगा। जी हाँ, और इसी तरह इस मैच सेमीफाइनल की विनर हैं फातिमा ज़हरा, उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से ये फतह अपने नाम की।